हमारा विवाह भी, फिर भी हमसे टाइम मांगे। सर मानी चाहिए ऐसे विवाह को, ऐसे मंत्रालय को और ऐसी मंत्री को। मैं तो आज भी इनको ये बोलना चाहूंगी कि डू मरो आप। तादाद में आज देहरादून में उत्तराखंड के दूर दूर जनपदों से यहाँ पर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एकत्रित हुई हैं सीएम आवास की तरफ। वो कूच कर रही थी, उनकी मांगों के बारे में जानते हैं। हमारे साथ इस समय रेखा नेगी मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष हैं। आज आप यहाँ पर सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या कहना है? हम लोग लगातार अपनी मांगों के लिए संघर्षरत रहते हैं। आज हमारी जो मानदेय के लेके मांग थी और हमारा भवन किराए को लेके, हम लोग आज सीएम आवास कूच कर रहे हैं। यहाँ पे हमें बैरिकेटिंग पे रोक दिया गया है, लेकिन हम सीएम आवास जरूर पहुँचेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रुकने के लिए नहीं आए हैं। हम सीएम साहब से वार्ता करने आए हैं, मंत्री जी से वार्ता करने आए हैं कि हमारी मांग, क्योंकि हम इनको अल्टीमेटम पहले दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे आए और ये कहीं गायब हो जाएं, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। ना हम लोगों का इतना पैसा कि हम यहाँ तक आए, अगर वो नहीं है यहाँ पे तो हम यहीं पे बैठे रहेंगे। जैसा कि बात सामने आ रही है कि कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक साल से उससे ऊपर भी मानदेय नहीं मिला है, भवन भत्ता नहीं मिला है, और इस समय अभी डेप्यूटी डायरेक्टर आए हैं बाल कल्याण विकास मंत्रालय से, तो क्या इस समय आपकी मांग है? देखिए, हमारे जो आज यहाँ पे अधिकारी पहुँचे हैं अभी डिप्टी, हमारे उपनिदेशक महोदय, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारे बीच में लगातार आते रहते हैं, हमसे वार्ता भी करते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ, आप वार्ता करने यहाँ आ रहे हैं हमसे बात करें, क्या आप हमारी समस्याओं से अनभिज्ञ हैं? क्या आपको हमारी समस्याओं से अवगत नहीं कराया गया है? आप आज 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं हमसे, आपने ये समय पहले क्यों नहीं बोला? जब हम 10 दिन, हमने 13 तारीख को रैली कर दी थी, उनको मांग पत्र दे दिया, तब आपने 10 दिन का टाइम क्यों नहीं बोला उस समय? आज आप यहाँ पे भीड़ देके आप 10 दिन का टाइम मांग रहे हैं, आपके हमारी समस्याओं से वो पता नहीं है कि हमारी, ये कह रहे हैं कि हमारा मानदेय चला गया, मैंने ये भेज दिया वो भेज दिया, तो ये इतनी लड़कियाँ बेवकूफ़ हैं जो यहाँ बैठी हुई हैं। आप देखिए ना, इनसे पूछिए, वो कह रहे मैंने भवन किराया प्रोसेसिंग में है, क्यों भवन किराया, 2 साल से भवन किराया नहीं आया। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों को आप लोग वहाँ पे संचालित कर रहे हैं, जिनके माध्यम से आप योजनाओं को चला रहे हैं, उन भवन किराए पे मकान मालिक ताले लगा दिए, आप यहाँ पे बड़ी बड़ी हिगड़ी झाड़ रहे हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैं जिन अधिकारी की मुख्य मांगे इस समय क्या है? हमारा मानदेय जो नहीं आया है, ये कह रहे हैं कि अपनी यहाँ पासबुक एंट्री कराओ। किसको कराएं पासबुक एंट्री? क्योंकि पहले तो ये था कि हम लोग जिले से अपनी पासबुक दिखा लेते थे बाबू को, अब बाबू के पास जाते हैं, बाबू कहते हैं तुम्हारे डीबीटी के माध्यम से आ रहा है। अब हर लड़की यहाँ नहीं पहुँच सकती निदेशालय, कैसे हम अपनी पासबुक को लेकर, ये कितने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहाँ नेट पर देखते हैं तो वहाँ लड़कियों के नंबर ही सही नहीं है, ये क्योंकि आधार से लिंक हुआ, किसी के 2-3 खाते, वो 2-3 खातों में पता नहीं कहाँ मानदेय चला गया, तो ये समस्या किसकी है? ये समस्या आंगनबाड़ी की, और समस्या समाधान करना विभाग का काम है, तो विभाग नहीं कर सकते, ताला लगा दीजिए इसको, उसको सचिवालय को, या जो हमारा मंत्री यहाँ जहाँ बैठता है निदेशालय को ताला लगा दीजिए, नहीं जरूरत है इनकी। हमको इतना शोषण कर दिया इन लोगों ने, इतनी आंगनबाड़ी, आप देख रहे हैं कितना हुजूम उड़ा है। ये वो महिलाएं हैं जो विधवा हैं, परित्यज्ञ हैं, तलाकशुदा हैं, बीपीएल हैं, विकलांग हैं, वो महिलाओं ने यहाँ पे आज इस महिला सशक्तिकरण विभाग में वन ऑफ स्टॉप सेंटर के माध्यम से जो अपनी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को सुनती थी, आज वो इतनी पीड़ित हो चुकी है कि वो माइग्रेन का शिकार हो गई है, अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई है, और आज हमारा विभाग भी फिर भी हमसे टाइम मांगे। सर मानी चाहिए ऐसे विभाग को, ऐसे मंत्रालय को और ऐसी मंत्री को। मैं तो आज भी इनको ये बोलना चाहूंगी कि डू मरो आप लोग, मानदेय चला गया, तो ये समस्या किसकी है? ये समस्या आंगनबाड़ी की, और समस्या समाधान करना विभाग का काम है, तो विभाग नहीं कर सकते, ताला लगा दीजिए इसको, उसको सचिवालय को, या जो हमारा मंत्री यहाँ जहाँ बैठता है निदेशालय को ताला लगा दीजिए, नहीं जरूरत है इनकी। हमको इतना शोषण कर दिया इन लोगों ने, इतनी आंगनबाड़ी, आप देख रहे हैं कितना हुजूम उड़ा है। ये वो महिलाएं हैं जो विधवा हैं, परित्यज्ञ हैं, तलाकशुदा हैं, बीपीएल हैं, विकलांग हैं, वो महिलाओं ने यहाँ पे आज इस महिला सशक्तिकरण विभाग में वन ऑफ स्टॉप सेंटर के माध्यम से जो अपनी समस्याओं को, लोगों की समस्याओं को सुनती थी, आज वो इतनी पीड़ित हो चुकी है कि वो माइग्रेन का शिकार हो गई है, अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई है, और आज हमारा विभाग भी फिर भी हमसे टाइम मांगे। सर मानी चाहिए ऐसे विभाग को, ऐसे मंत्रालय को और ऐसी मंत्री को। मैं तो आज भी इनको ये बोलना चाहूंगी कि डू मरो आप लोग। तो ये थी हमारे साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष रेखा नेगी, जिन्होंने हमें बताया कि किस कदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, उनको अपने पैसों को लेकर ही जगह जगह ठोकर खाने को वो मजबूर हैं, और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा। आज वो यहाँ पर कूच कर रहे हैं, और उनकी मांग है कि वो मुख्यमंत्री आवास जाकर अपनी बातों को मनवा के रहेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जन आक्रोश इस समय फूट पड़ा है, एक बार फिर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए वो हल्ला बोल कर रहे हैं, और इस समय फिर से ये माहौल जो है गर्मा गया है। दोबारा से यहाँ पे पुलिस बल भारी मात्रा में, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बैरिकेडिंग यहाँ पर की हुई है, किले की तरह यहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। अब देखना होगा इसमें सरकार क्या पहल करती है। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं बाल कल्याण विकास मंत्रालय के डेप्यूटी डायरेक्टर SK सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सर, आप आए हैं, आपने बात करी है,
अभी हाँ अभी इनकी जो दो तीन मांगे हैं इनकी, उन मांगों के लिए समय मांगा गया है एक सप्ताह का, कि एक सप्ताह का समय दे दीजिए, उसमें आपके मैटर को सेट आउट किया जाएगा। पर अभी आपने बात करी है कुछ मुद्दों को लेकर, अभी भी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, क्या वो सुलझ पाएंगे? ऐसा है, उनकी जो बातें हैं उन बातों के पहले में उनके संगठन को भी बता दिया गया है कि भाई इसमें ये समस्याएं हैं, इसमें आपको वक्त देना है। संगठन ने ये कहा था कि ठीक है सर हम उसको देखते हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपना जो भी उनका प्रतिनिधि, तो क्या इनकी जो मांग है वो 10 दिन में पूरी हो पाएंगी? हाँ, इनकी जो मांगे राज्य सरकार के स्तर पर है उसको तो तत्काल पूरी की जाएगी। आपने कहा कि भारत सरकार की तरफ से बजट नहीं आया, तो इस मामले में आपने सूचना नहीं, वो इनका ये कहना है कि साहब जो है जिसपे बजट है उसका हम लोगों ने उस पर एक सप्ताह का समय मांगा है, और इसमें भारत सरकार से भी मांग रहे हैं पैसा, और जैसे ही भारत सरकार से पैसा आएगा तो जो और इनकी मांगे हैं THR के संदर्भ में हैं उसको समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ बाल विकास मंत्रालय के, उत्तराखंड के बाल विकास मंत्रालय के डेप्टी डायरेक्टर एसके सिंह, जिन्होंने कहा है कि हमने बात की है और इन जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्या है उनको एक हफ्ते में सुलझाने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि एक हफ्ते में ये सारी समस्याएं सुलझती हैं कि नहीं।